डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस का इनिशिएटिव विच इज इंस्पायर जेन ज़ी, जो कि आपसे कहता है कि लिसन, ड्रीम एंड डू। और इसके तहत हम आपको जम्मू के ऐसी एमिनेंट पर्सनालिटी से मिला रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ तो चेंज की, बट एट द वेरी सेम टाइम जब इनकी कहानी आप तक पहुंचेगी तो आई एम श्योर कि आपकी लाइफ जो है वो भी बदलने वाली है। बेसिकली इंस्पायर जेन ज़ी इज अ शो जो कि डेडिकेटेड है टू द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। माय नेम इज आरजे राहुल और इस वक्त मेरे साथ हैं वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड वर्सेटाइल सिंगर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड हर नेम इज सोनाली डोगरा। सोनाली डोगरा, नमस्कार, क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। सबसे पहले हम पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक चीज पूछना चाहूंगा कि हु इज द ड्रेस डिजाइनर ऑफ सोनाली डोगरा? मैं अगर बात करूँ बचपन से ही, क्योंकि बचपन से ऐसा होता है कि जब हम जो चीजें देखते आते हैं फिर उसके बाद हम उसे फॉलो करते हैं। मेरी मदर फैशन डिजाइनर रही है, अच्छा। मतलब मेरी सारी ड्रेसेस जो है वो वही डिजाइन करती रही है, सब आगे फिर थोड़ा उनके नक्शे बचपन से छोटे छोटे कपड़े बनाने होते हैं कि ये करना वो करना। और इधर एक गल ऐड करा कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी फंक्शन हो, स्कूल एनुअल फंक्शन हो या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो, मुझे नई ड्रेस ही चाहिए होती थी। अच्छा। चाहे उधर लेट पहुंचो लेकिन चाहिए नए कपड़े। अच्छा। तो मतलब बस वहीं से इंस्पायर हूँ। तो वहीं से इंस्पायर हो। एंड अगर आप अभी देखेंगे कैमरा, अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखो ड्रेस मैच कर रही है, ठीक है। ड्रेस का जो पिंकिश ग्लो है वो फेस पे भी आ रहा है और वो जो वो क्या देसी झुमके क्या करे वो जो है वो भी बिल्कुल मैच करके पहने हुए हैं। सो मतलब यू आर द डिजाइन ऑफ योरसेल्फ, राइट? यस यस। ओके। एंड सिंगर हर कोई जानता है, ठीक है। बचपन से लगता कि मुझे यार सिंगिंग ही करनी है? नहीं, बचपन में कुछ और लगता था, नहीं यार कि डॉक्टर बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी या कुछ नहीं बनूंगी। नहीं, बचपन से मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं सिंगर बनने वाली हूँ, क्योंकि लड़कियों को हमेशा शौक होता है टीचर बनने का, डॉक्टर बनने का। तो मैं भी वही उन्हीं में से थी एक। हाँ। कि मुझे डॉक्टर बन जाना है, टीचर बन जाना है। लेकिन फिर जब आगे आगे जैसे जैसे, मतलब मैं सिर्फ अपना जो क्रेडिट देती हूँ ना वो डेस्टिनी को देती हूँ। मुझे डेस्टिनी किस और लेती कि मुझे खुद भी नहीं पता। बट यस, जब स्कूल में किसी भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती थी तो हमेशा टीचर्स कहते थे कि आप में टैलेंट है इस चीज़ का, आप गा सकती हैं, अच्छा गा सकती हैं। बट जब मेरे को ये चीज़ें कही गई उस टाइम पे तो ये बिल्कुल भी स्कोप ही नहीं था। मतलब प्लेटफॉर्म्स नहीं थे जम्मू में, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। तो मैंने इसको बड़ा लाइटली सा लिया था कि म्यूज़िक ठीक है, गाते हैं, एज हॉबी हम कर सकते हैं इसे। बट जो आपने मुझे बात पूछी वो यही था कि शुरू से मुझे डॉक्टर और टीचर वाला ही था फेज। अच्छा जी। तो ये फेज कब आया सिंगिंग वाला, ये हम जानेंगे। बट एज फार एज आई नो यू, यू कम फ्रॉम अ टैलेंटेड फैमिली, ठीक है। योर ब्रदर इज एन अमेजिंग डांसर, राइट? तो इसके अलावा कोई और भी, मम्मा पापा या कुछ, एनीथिंग? हाँ, मम्मा बहुत गाती थी, मतलब बहुत अच्छा गाती थी, मतलब बट प्रोफेशनली नहीं। उनको शौक था और कभी कोई फैमिली फंक्शन होता था या हमारे जागरण्स होने या मतलब कुछ भी ऐसे गली मोहल्ले में होता था ना प्रोग्राम, तो मेरी मम्मा को बहुत चाव से इन्वाइट किया जाता था कि आप गाइए आप गाइए। बट मेरी मम्मा बस ऐसे ही जैसे थोड़ा सा गुनगुना देना, तो उन्हीं में से ये चीज़ आई। और मेरी मदर की अगर मैं बात करूँ तो उनकी फैमिली में मेरे नानू गाते थे, मेरे मामू गाते थे, बट वही घर पे। अच्छा। तो who is much better singer, सोनाली या फिर सोनाली की मम्मा? मेरी obviously मेरी मम्मा, because उन्हीं में से ये चीज आई है। तो उन्हीं को, मतलब उन्होंने मुझे जो, मैंने अपनी जो एक्चुअल ट्रेनिंग स्टार्ट की थी उससे पहले जो मुझे ट्रेनिंग मिलती रही वो मेरे घर पे ही मुझे मिलती रही। कोई भी गाना रेडी करती थी तो उन्हें ये लाइन ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये ऐसी होनी चाहिए। सो यस, फैमिली से आई है ये चीज। so, बचपन से सोनाली वाज नॉटी किड, मतलब यहाँ पे कैसे शाई नेचर थी या बचपन से था कि नहीं, कैसे टाइप? हाँ, मैं नॉटी कह सकते हो बट इतनी भी नहीं। मैं थोड़ी सी रिजर्व काइंड ऑफ हूँ, मुझे ऐसा जल्दी सबके साथ घुलना मिलना इतना नहीं होता। मैं थोड़ा सा रिजर्व रहती हूँ और फिर मुझे ऐसा लगता है, और जिसके साथ फिर हो जाए ना फिर बिल्कुल जुड़ जाते हैं। तो मतलब मुझे शुरू से ही ऐसा रहना अच्छा लगता है कि मैं जल्दी से रोने लग जाती हूँ, इमोशनल हूँ बहुत। अच्छा। कोई थोड़ा सा डांट दे तो रोना अच्छा। एकदम से आ जाता है। तो बस वो बचपन की कोई ऐसी मेमोरी जो याद है, या बचपन में कभी मार पड़ी हो टीचर से, स्कूल से, या फिर कोई ऐसी हरकत की हो जिसकी वजह से नॉमिनेट हो गए हो, कोई ऐसी मेमोरी कुछ याद है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नॉमिनेट में हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए हुई हूँ। अच्छा। मुझे कभी स्कूल कॉम्पिटिशन में, जैसे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होते थे उसमें कभी भी पार्टिसिपेट करना, तो हमेशा ही मतलब नाम आगे रहना। और भाई भी मेरे बहुत टैलेंटेड थे शुरू से ही, मतलब पढ़ाई में भी इंटेलिजेंट और हर चीज़ में। तो मतलब हम तीनों भाई बहन जो हैं स्कूल में अच्छे खासे नाम से हमें जाना जाता था कि बहुत टैलेंटेड और बहुत अच्छे। तो कोई ऐसी चीज़ मिस करते हो अपने बचपन की जो कि आप लगता है कि यार काश अगर उस टाइम वापस चले जाती और इस चीज को वापस निकाल सकती वहां से, एनीथिंग यू फील लाइक?
देखो ऐसा होता है जैसे हम बड़े बड़े होने लग जाते हैं तो जो मौज मस्ती यानी भाइयों के साथ घूमना फिरना कहीं पे भी चले जाना किसी भी टाइम, वो चीज़ें ऑब्वियसली याद आती हैं। और मैं अपने बचपन में जो बड़े भाई आकाश भैया को तो आप जानते हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा फिर भी मैं चुप चुप रहती थी, ज़्यादा चीज़ें नहीं शेयर की जाती थी। लेकिन जो मेरे छोटे ब्रदर हैं, हालांकि वो भी मुझसे बड़े हैं, मैं सबसे छोटी हूँ घर पर, लेकिन अमन भैया के साथ मैं कहीं पर भी चली जाती थी, उसके सारे दोस्तों के घर में मैंने गेड़ी लगाते रहना, मतलब उसके हर कोई भी दोस्त के घर जाना, कोई ओकेजन होना, कुछ फेस्टिवल होना, तो मैंने उसके साथ सारे दोस्तों के घरों में चक्कर लगाए। दोनों भाई में से ज़्यादा तंग कौन करता है और सोनाली किसको ज़्यादा तंग करती है? तंग तो खैर सबको ऐसा लगता है मैं बड़ी डेंजरस हूँ, मतलब गुस्से वाली हूँ, तो अब तो खैर नहीं तंग ज्यादा किया जाता, बट मैंने कहा कि मैं छोटे वाले भाई के साथ थोड़ी सी ज्यादा फ्री रहती हूँ, मतलब फ्रैंक हूँ उनके साथ, और आकाश भाई के साथ भी कर लेती हूँ बात ज्यादा, बट छोटे वाले के साथ घूमना फिरना चलता था ना, तो उसके साथ सारी बातें शेयर करती हूँ, तो वो दोनों ही मुझे परेशान करते थे, और इसलिए बचपन में बोलती थी मम्मी एक बहन और होती मेरी, तो मैं उसके साथ घूमती फिरती, बट वो अकेले लगे रहते थे, मतलब दोनों खेलते रहते और मैं अकेली, बस मुझे कोई होनी, तो इसलिए मेरी मदर मेरी फ्रेंड रही है शुरू से। लाइफ में चेंजेस पसंद है? हाँ बिल्कुल पसंद अभी है। As I said, मिस सोनाली डोगरा। हाँ जी। तो बहुत जल्दी शायद टैग भी आएगा, कोई मिसेस भी आ जाएगा। मिसेस भी आएगा, exactly। तो आर यू रेडी फॉर दैट चेंज? यस बिल्कुल, और ये सबकी लाइफ में वो चेंज सबको चाहिए होता है। हाँ। ऐसा नहीं है, मैं बाकी लड़कियों की तरह, सब लड़कियां बोलती है ना कि हमको नहीं करनी शादी एंड ऑल वो, बट नहीं मुझे ऐसा नहीं कहना है, सबको करनी होती है, बट यस जब टाइम आएगा। अभी हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो करने वाली हैं, लाइक करियर को लेकर या वैसे भी, और जब लिखा होगा तो ऑब्वियसली होगा। सोनाली का टाइम कब आएगा? देखो करियर में जो कुछ करना था कर लिया, नाम भी बना लिया, ठीक है, इसके अलावा और बहुत सी चीजें आपको बताऊंगा जो कि शायद आपको सोनाली के बारे में नहीं पता होंगी और मुझे भी थोड़ी देर पहले ही पता लगी हैं। सो एनी स्पेसिफिक टाइम लाइक सोनाली थिंकिंग हां यार दिस ईयर प्रोबब्ली आई विल गेट मैरिड, मे बी नेक्स्ट ईयर, मतलब ऑलरेडी गुड है? नहीं ऐसा नहीं है, विश लिस्ट में तो नहीं, मतलब मैंने अपने पेरेंट्स को ही कहा था मुझे अरेंज करनी है। अच्छा, मुझे अरेंज करनी है तो इन दिस वर्ल्ड ऑफ लव मैरिज सोनाली इज इन टू अरेंज मैरिज। ओके, और अभी यहाँ पर हम बात करते हैं, वेरी फ्यू पीपल नो के सोनाली इज डूइंग PhD ऑल्सो। जब मैंने सुना ना आई वॉज अमेज, मतलब एक तरफ सिंगिंग को भी कैरियर रखना और पढ़ाई को भी कैरियर रखना कितना मुश्किल है, लाइक PhD डॉक्टर सोनाली डोगरा, सिंगर सोनाली डोगरा, क्या लिखना पसंद करोगे फिर नाम के आगे? देखो दोनों ही, क्योंकि डॉक्टर जो है वो भी मेरे म्यूजिक से रिलेटेड ही रहेगा। अच्छा। क्योंकि देखो मैंने आपको शुरू में कहा कि मुझे डॉक्टर भी बनना था शुरू से ही, बचपन से ही शौक था कि डॉक्टर बन जाऊं, डॉक्टर, नाम के आगे डॉक्टर लगना उस टाइम तो इतना पता नहीं होता बचपन में, बट यस मुझे ऐसा था कि बचपन में कोई पूछता था मैं डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, एंड म्यूजिक को एज करियर एज प्रोफेशन चूज करना ये मुझे 2007 के बाद रियलाइज हुआ, क्योंकि मेरे दो चीज़ों पे, मतलब दो ट्रैक्स पे चलना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था मेरे लिए। आफ्टर 12th, जैसे 11th 12th मैंने मेडिकल नॉन मेडिकल में किया है, तो उस टाइम तक तो मुझे ठीक था, मतलब ठीक है कर लिया, बिकॉज एक प्रेशर और भी था, मेरे दोनों भाइयों ने मेडिकल नॉन मेडिकल किया था, तो होता ना फैमिली में कि यार ये ना लाएगा, मतलब ऐसा होता ना, तो मुझे ऐसा लगा भाइयों ने किया तो मुझे भी करना है, मतलब जोर जबरदस्ती वाला, फैमिली में किसी ने फोर्स नहीं किया बट मुझे खुद से ऐसा लगता था। देन उसके बाद बट मीनवाइल मैं अपना गाना भी करती थी, मतलब लाइव शोज भी करती थी, और कॉम्पिटिशन्स में वॉइस ऑफ इंडिया स्टार प्लस के लिए सिलेक्ट हुई थी, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था मैनेज करना, मुझे ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा, मतलब 12th को ऐसे करूंगी मैं, मतलब मेडिकल नॉन मेडिकल इतना पढ़ाई, और देखो सबसे सरप्राइजिंग ये है कि मैंने ट्यूशन भी नहीं रखी थी। अच्छा, मतलब लोग ट्यूशन पढ़ते ना 11th 12th में, और शुरू से ब्रिलियंट थे, नहीं इतना ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, मतलब ब्रिलियंट तो नहीं, बट देखो पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि ठीक है हो जाएगा चल जाएगा, तो मैंने ऐसे ही पढ़ाई की, बट आफ्टर 12th मुझे लगा कि पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, मुझे अब नहीं करना है इसके आगे, मतलब म्यूजिक को सोच लिया था कि ड्रॉप कर दूंगी, ड्रॉप कर दूंगी, और मैंने वन ईयर ड्रॉप भी कर दिया था, मतलब मुझे लगा कि नहीं अब बस गाने वाने में बड़ा शौक जागने लग गया और अच्छा लगने लगा लाइव, मतलब लाइव शोज करने और बड़ा इंटरेस्ट जागने लग गया मेरा। उससे पहले तक मेरी फैमिली सपोर्टिव थी, बट मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है चल रहा है गाना बजाना प्रोफेशन नहीं, जस्ट ऐसे ही एंजॉय के लिए, है ना, एंजॉय कर रही हूँ। देन फिर रियलाइज हुआ कि नहीं पढ़ाई का साथ साथ होना इतना इम्पॉर्टेंट है, वो मुझे तब रियलाइज हुआ जब मैं बाहर इवेंट्स करने लग गई, मुंबई लेवल पे नेशनल स्टेजेस पे मैंने परफॉर्म किया, मुझे लगा कि यार लोग काफ़ी एक्टिव हैं, और पढ़ाई करना ये नहीं आपकी डिग्री मिल जाना या ये चीज़ें नहीं होती इसमें, आई थिंक इसमें आपको कॉन्फिडेंस एक अलग आ जाता है आपको, तो फिर मुझे लगा कि
क्यों ना डॉक्टर बनने का जो सपना था, डॉक्टर तो खैर बाद में हुआ, उसके बाद मुझे आफ्टर ट्वेल्थ मुझे लगा कि ठीक है पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, मैं पंजाब चली गई कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो कॉलेज में एडमिशन लेना था, फिर मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि मुझे म्यूजिक में ही आगे इसको कंटिन्यू करना है। बीए किया बट पंजाब गई तो पंजाब में जाके लगा कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, इतनी दूर रहना फैमिली से, ये कैसे मैनेज करना। वापस जम्मू आई, जम्मू आके मुझे परेड कॉलेज से टीचर्स ने कहा, मेरे प्रोफेसर जो थे उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्यों नहीं एडमिशन लेते हो, फिर मैंने वहाँ लिया एडमिशन। देन वहीं से एमए भी किया, एंड एमए करने के बाद फिर लगा कि आगे और पढ़ना चाहिए, क्यों यहाँ पे बंद करना, फिर पीएचडी की ओर चले गए। एंड अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कुछ ड्रीम करते हो, मतलब अगर आप सपने देखते हो तो पूरे करने का अगर जज्बा है ना अंदर, तो वो डेफिनेटली पूरा होता है। तो मुझे लगा कि हालांकि अभी डॉक्टर नहीं लगा आगे, बट डेफिनेटली आई एम श्योर हाँ वो होने वाला जल्दी। सो डॉक्टर का ये था बट बहुत से लोग हैं खासकर जो सिंगिंग फील्ड से होते हैं, पर रिलेटेड टू दिस फील्ड ओनली, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि जब एक पाथ पकड़ते हैं तो फिर दूसरा पाथ ऑटोमेटिकली छूट जाता है। हाँ जी। सो ना आस्क के कितना जरूरी है जो आपका इंटरेस्ट है उसको भी साथ में लेकर चलना और स्टडीज को भी साथ में लेकर चलना, बिकॉज आई नो कि कहीं ना कहीं बर्डन हो जाता है, स्टडीज को भी करना, टाइम देना पड़ता है, बुक्स को भी, लेकिन आपको जो इवेंट्स करने वो भी, तो कितना जरूरी है स्टडीज को साथ में लेकर जाना। बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि सपोज आपके इवेंट्स हैं वो कुछ आउटडोर हैं, लाइक आउट ऑफ स्टेट हैं, या मैं जैसे इंटरनेशनल भी परफॉर्म करती हूँ, तो वो चीज़ें क्लैश होती हैं। एंड मेरा बहुत बार हुआ है, जैसे मेरा लास्ट ETP था तो वो ETP मुझे मिस करना पड़ा बिकॉज ऑफ माय लाइव परफॉर्मेंसेस, तो वो ETP मिस हुआ। एंड देन अभी है तो बहुत चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, बट अगर आप मैनेज करना चाहो तो हो भी सकती हैं। एक सवाल मेरे जहन में जो कि मैं पूछूंगा, बट लोग सिंगर सोनाली डोगरा को भी देख रहे हैं जो कि डॉक्टर भी बनने वाली बहुत जल्द। सो सिंगर सोनाली डोगरा इस वक्त कौन सा सॉन्ग सुनाएगी टू द पीपल ऑफ जेएनके? जी मेरा पसंदीदा गीत है एक, तो वही गाना चाहूंगी, दो लाइन उसकी। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो। प्रेम की माला जपते जपते बन गई मैं शाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं पीकारा, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीकाना। Great, that was just amazing. और भाई साहब इतने में इतना ही मिलता है, इसके बाद और भी उनसे पूछेंगे, बट let me tell you very frankly, जब कोई सिंगर साथ में बैठा होता है ना, और तब जब आप उन्हें सुनते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सोनाली डोगरा की इंस्पिरेशन, आइडल, एनी बॉलीवुड सिंगर, पंजाबी सिंगर, व्हाट? रिचा शर्मा जी, जिनको मैंने काफ़ी सुना है, और शुरू शुरू में तो लोग मुझे ये भी कहते थे कि बिल्कुल लगता है रिचा जी गा रही हैं। यही मैं पूछने वाला था कि लोग क्या बोलते हैं कि सोनाली की आवाज़ कौन से उस सिंगर की तरह, रिचा डोगरा की, रिचा शर्मा जी की तरह, और शुरू से ऐसा लगा। बट फिर उसके बाद मुझे जैसे जैसे मैं गुरुजनों से मिलती गई, उनसे सीखती गई, तो मुझे एक चीज़ का जो मैंने सीखा अपनी लाइफ में, एक्सपीरियंस की चीज़ें, वो ये थी कि आपको अपनी पहचान बनाना बहुत ज़रूरी है। यस, आप किसी ना किसी को सुनकर सीखते हैं, आपकी लाइफ में आइडल होते हैं, लेकिन अगर आप उन्हीं को कॉपी करते रहेंगे या उन्हीं को गाते रहेंगे या उन्हीं की आवाज़ को कॉपी करेंगे, तो फिर आप कहीं नहीं रहेंगे। सो इसलिए मैंने उनको बहुत सुना है। मैं अब सभी सिंगर्स को सुनती हूँ, क्योंकि हर एक से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और उनसे सीखने के बाद मैं अपनी पहचान को उसमें डालती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। सो यस, वो शुरू से रहा मुझे कि उनको सुनती रही। एंड जब से आई थिंक आपने सिंगिंग करना स्टार्ट करी है, उस टाइम सोशल मीडिया इतनी एक्टिव नहीं थी, तो डू यू बिलीव के जब से सोशल मीडिया आई है तो उससे और ज्यादा बूस्ट मिल चुका है? बिल्कुल, इट इज़ गुड। हाँ, मेरा जब मैंने शुरुआत की थी उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था और लोग भी इतने एक्टिव नहीं थे, और लोगों को लगता था सिंगर्स हैं, और बट मैं सच्ची बात बोलूँ, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि जब सोशल मीडिया नहीं था मुझे, तब लोगों ने जानना शुरू किया। मतलब घरों में TV पर देखकर या लाइव सुन सुनकर लोगों को पता था कि सोनाली डोगरा कोई है जम्मू से, है ना, और बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। लेकिन उसके बाद जब सोशल मीडिया पे लोग आने लग गए,
तो मैं जैसे थोड़ा सा रिजर्व रहती हूँ, मुझे 24 घंटे लाइव आना पसंद नहीं है बिना रीजन के कि आ गए हाय हेलो अब मैं ये खाने जा रही हूँ ये खाने। सबकी अपनी नेचर होती है ना, मैं थोड़ा सा इस चीज पे हाँ रिजर्व रहती हूँ। मैं इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि कुछ बताने लायक हो, जैसे कुछ प्रोफेशनली हम कुछ ऑफिशियल कुछ अनाउंसमेंट्स हो उसी के रिगार्डिंग हमें आना चाहिए लाइव, तो मैं बस वो चीज़ें सोच कर आती हूँ। बट जो लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो ऑब्वियसली उनके फॉलोअर्स भी ज़्यादा होते हैं, है ना। बट मुझे कई बार कुछ लोग पूछते हैं कि आप ज़्यादा एक्टिव नहीं हो सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, फिर आपके फॉलोअर्स नहीं होंगे। कितने फॉलोअर्स हैं सोनाली के? आई थिंक 1 lakh समथिंग होंगे। इट इज लेस मे बी लोगों को लगता हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं सेटिस्फाई हूँ, बिकॉज मुझे वो लोग मुझे जानते हैं जो लोग सच में दिल से प्यार करते हैं, हाँ एक्चुअल में सपोर्ट करते हैं, और वो आजकल खरीदे हुए भी आते हैं ना, वो खरीदे हुए भी आते हैं। फेसबुक पे कितने? हाँ बहुत सारे, बट मैं बहुत लकी उस मामले में, मुझे ब्लू टिक भी ऐसे ही मिला मेरे जो जेन्युइन फॉलोअर्स, हाँ मेरे जेन्युइन फॉलोअर्स को लेकर, एंड बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन इसमें मैं बुरा नहीं कहूंगी कि जिन लोगों के ज्यादा फॉलोअर्स हैं या जो 24 घंटे ऑनलाइन रहते हैं, वो भी गलत लोग नहीं है, उनकी अपनी नेचर है। बट मैं यह पूछूंगा यहाँ पर, इतने फॉलोअर्स होना ठीक है, इतने सपोर्टर्स होना, ऑब्वियसली सपोर्टर्स भी हैं तो कुछ ना कुछ हेटर्स भी होंगे, कुछ ना कुछ ट्रोलर्स भी होंगे, बिल्कुल होते हैं। तो जब ज्यादा फेम मिल जाती है जी, तो हाउ यू हैंडल दोस ट्रोलर्स या फिर हेटर्स जो हैं, उन्हें कैसे रिस्पॉन्स करती हूँ, क्या करती हूँ? शुरू शुरू में जैसे नहीं पता होती थी ये चीज़ें, तो जवाब दे देना, उनको रिप्लाई करना, गुस्सा आ जाता था, एकदम से हाइपर हो जाना, और ऐसा लगता था कि यार अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हो तो तुम क्यों मुझे देख रहे हो, तुम क्यों मुझे फॉलो कर रहे हो ना। तो बट अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको 99% लोग 99 भी ज्यादा बोल दिया मैंने, अगर 50% लोग पसंद करते हैं ना, तो 50 ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं पसंद करेंगे, जो किसी और को पसंद करेंगे, तो इसमें मुझे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। मुझे हैप्पी होना चाहिए उन 50% के साथ, उन 50% लोगों के साथ, कि जो लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, जो लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, या जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और यस जो लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं वो मुझे किस तरीके से प्यार दे पाए, मुझे वो चीजों। सबसे बड़ा सपोर्टर अभी तक कौन है जेएनके में आपका? वन नेम ओनली, एंड शुड नॉट बी फ्रॉम द फैमिली, फैमिली से नहीं होना चाहिए। एक लड़की है मीनाक्षी। अच्छा मीनाक्षी है वो, फुल नेम मीनाक्षी का मुझे पूरा नाम नहीं पता, बट उनकी वो भोले बाबा की भगत है, तो अच्छा। मीनाक्षी शंकर उनकी आईडी है, मीनाक्षी शंकर लोग देख रहे हैं, अगर मीनाक्षी शंकर देख रही है मस्ट लिसन। तो जम्मू से आपने पूछा तो इसलिए मैं उनका नाम ले रही हूँ, बाकी और भी बहुत सारे, वीर करम है एक जो मुझे याद है एक्चुअल में, अच्छा। और बहुत सारे लोग हैं पंजाब से, विदुल हैं जो मुझे इतना फॉलो करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, और इन लोगों की मैं इसलिए बात मतलब स्पेशली इनका नाम ले रही हूँ, बिकॉज ये रोने लग जाते हैं जब मुझे देखते, तो मुझे ऐसे लगता है यार मतलब क्यों इतना ज्यादा लोग कर रहे हैं, दैट मींस कि कुछ तो। एनी बिगेस्ट फैन मोमेंट एवर याद हो? यार देखो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं, लोग ना जब पैरों को टच करने लग जाते हैं ना आपके, तो आई थिंक वो सबसे बड़ा मोमेंट होता है, और उसमें आप इमोशनल हो जाते हो, उसमें आप ये सोचने लग जाते हो कि भगवान ने हमें, माँ सरस्वती ने हमें कितना बड़ा गिफ्ट दिया है, जिसमें लोग आपको उस तरीके से पूज रहे हैं जिस तरीके से भगवान को पूजते हैं ना। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं सच में बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे ये चीज़ें जो हैं वो इस लाइफ में मिल पा रही हैं, इतना लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। आने वाले प्रोजेक्ट्स कुछ? यस बहुत सारे लाइंड अप हैं, और कुछ डोगरी है अभी, बहुत जल्दी मेरा एक डोगरी गाना आने वाला है, फिर उसके साथ साथ एक हिंदी है, फिर पंजाबी है, मतलब सब चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि डोगरी, और वो गाना ऐसा होगा जिसमें मैंने ही लिखा है और मैंने ही कंपोज किया है उस गाने को, डोगरी वाला गाना। तो यस बहुत जल्दी, बहुत पुराने गाने सुनना ज़्यादा पसंद है या फिर नए वाले? मुझे पुराने, नए भी मैं गाती हूँ, नए भी सुनती हूँ, लेकिन पुराने इसलिए क्योंकि उससे वो हमारा ट्यूटोरियल है, उससे हम बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। ओके आई थिंक वी कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस, और जाते जाते तो नहीं एक सवाल रह गया जी, उसका जवाब देना पड़ेगा जी। हु अकॉर्डिंग टू यू इज द बेस्ट सिंगर? ठीक है आपको खुद का नाम नहीं लेना है, बट जे एन के में क्या लगता है कि हाँ यार ही इज द बेस्ट, एक नाम लेना है? देखो अगेन मैं यही कहूंगी डिप्लोमैटिक होना बहुत जरूरी है। ओके बट ओके टू ऑप्शंस राइट जी, वन बिलो द एज ऑफ 40, वन बिलो, वन अबव द एज ऑफ 40। मैं आपको सिर्फ पहले मैं सवाल पूछना चाहूंगी, एक आपको लगता है मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरे साथ कोई और सिंगर बैठे होंगे या कोई और इंसान बैठे होंगे, क्या उनकी और मेरी चीजें मिलती होंगी? मिलते हैं
नहीं ना, मतलब एज पर्सनैलिटी को लेके बोलूं या किसी भी चीज में बोलूं, जैसे मैं अगर मैं अपनी फिजिक को लेके बोलूं, व्हाटएवर, जैसे भी कुछ भी चीज है, मिलता होगा? नहीं मिलता ना. हाथ की सब उंगलियों में देखेंगे तो उसमें भी फर्क है ना. There's always one favorite. But खाने में दाल चावल पसंद है. मैं कहती हूँ आप एक चीज को ओवर भी कर लेंगे तो क्या आपको हर दिन वो चीज पसंद आएगी? नहीं आएगी ना. तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हर इंसान की अपनी क्वालिटी है. हर एक में कोई ना कोई खूबी होती है. बिल्कुल, हर कोई बेस्ट है. जैसे लाइक आई टोल्ड यू, एज़ आई आस्क यू कि भाई कौन सा फेवरेट है, तो यू सेड ठीक है ऋचा शर्मा. आपने वहां पर तो बेपाकी से बता दिया. नहीं नहीं, वो मेरे आइडल है. मैंने ऐसा नहीं कहा कि वो मतलब सब सिंगर्स में बेस्ट है, वो अपने आप में बहुत बेस्ट है, वो मैं इतना कहूंगी. और जम्मू में भी सब बहुत कमाल का काम कर रहे हैं अपने आप में. सब ने जम्मू कश्मीर को एक अलग मुकाम पे पहुंचाया है, क्योंकि जम्मू हम पैदा हुए हैं यहाँ पे. हमारा फर्ज बनता है कि हम एक अलग लेवल दे पाए उसे. तो बस मैं इतना ही कहूंगी कि सबकी अपनी क्वालिटीज हैं, सबकी अपनी क्वालिटीज हैं, सब बेस्ट हैं. दैट्स ग्रेट. जाते जाते, एज द शो सेज, इंस्पायर जेन ज़ी, लर्न, ड्रीम एंड डू, व्हिच इज अ ग्रेट इनिशिएटिव ऑफ DIPR J&K. तो ऐसे में टू ऑल द पीपल जिनके स्पेशली ये शो डिजाइन किया गया है, यूथ को आप क्या मैसेज दोगे? मेरा हमेशा एक ही मैसेज रहता है कि आप किसी भी फील्ड में हैं, बस इतना यकीन रखिए कि आप डेफिनेटली उसमें अच्छा कर पाएंगे. अपने पेरेंट्स को, अपने जहाँ रहते हैं उस जगह को प्राउड फील करवा पाएं, बस उस चीज़ में सीखिए. रातों रात स्टार ना बने. मतलब सी, ऑब्वियसली आपकी किस्मत अगर आपको लेके जाती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट आप उस चीज़ को उस बेस्ट लेवल पर लेकर जाएं, सीखें और डेफिनेटली अपने उस काम को आगे ज़रूर लेके जाएं, बट स्टडी को कंटिन्यू रखें. Great, thank you so much, and thanks to DIPR J&K, Directorate of Information Public Relations J&K, मुझे ये मौका देने के लिए to interview eminent personalities of J&K under initiative which is Inspire Gen Z, which says Learn, Dream and Do, and बहुत जल्द आपकी मुलाकात जम्मू की एक और ऐसी personality से करवाएंगे जिन्हें आपको सीखने का बहुत कुछ चीज़ें मिलने वाली हैं. Thank you so much, thank you so much, Sonali. Jai Hind.